सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैग्नेट वाले टॉपिक की थर्ड पार्ट है, ये थर्ड वीडियो है मैग्नेट्स की। इससे प्रीवियस दो वीडियोस थी जिनमें मैंने मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, प्लस में उनकी प्रॉपर्टीज़ और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद में ये थर्ड पार्ट आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एन एरिया अराउंड अ मैग्नेट और अ मटेरियल दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट वेयर देयर इज़ अ फोर्स दैट विल अट्रैक्ट सम मेटल टूवर्ड्स इट। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी पाथ है। मैंने जब मैग्नेट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपको बताई थी तभी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये एक इमेजिनरी पाथ है जो मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है जो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद में आता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये मैंने बताया हुआ है। इवन मैंने इसमें डायग्राम भी बनाया हुआ है आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर द कर्व पाथ सच दैट अ टेंजेंट ड्रॉ ऑन इट At any point indicates the direction of magnetic field. ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे इसके साथ में जो मैंने लाइन्स बना रखी हैं वो एक कर्व्ड पाथ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमें डायरेक्शन बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैंने यहाँ पे लिमिटेड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिए हैं, आप चाहें तो और भी ज़्यादा इसमें आप लर्न कर सकते हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर से एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपीयर्स टू अमर्ज एंड और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज और टर्मिनेट एट द साउथ पोल। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड साउथ पोल पे ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही होगी। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई हैं यहाँ से एंड साउथ पोल पे आके ये ख़त्म हो गई हैं। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपीयर्स टू अमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स या एंड करती हैं साउथ पोल पे। सेकंड पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइन में सेकंड पॉइंट है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अगर हम मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे ये लाइन्स ख़त्म होती हैं, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स हैं वो साउथ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड नॉर्थ पोल पे ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स बिकॉज द फील्ड लाइन्स आर डेंसर नियर द पोल। इसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेंस होंगी, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर, डेंस कहाँ पर होती हैं, पोल्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ये आप एक बार डायग्राम से देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में देखिए ये नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं हमारे पास और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं दोनों साइड पे यहाँ के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि यहाँ पे ये डेंसर हैं। नाउ पॉइंट नंबर फोर इज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विद
ईच अदर, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या क्रॉस करेंगी तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, इससे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक क्लोज लूप बनाती है, मीन्स कि नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट होकर साउथ पे वो ख़त्म हो गई, बीच में उनमें कोई भी कट नहीं आता या उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में था, कुछ टॉपिक्स से इम्पॉर्टेंट, उनकी प्रॉपर्टीज से या पॉइंट्स से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बहुत सारे कमेंट्स किया कीजिए, अच्छे भी कीजिए चाहे बुरे कीजिए, लेकिन बहुत सारे भर के कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।